इस वक्त मैं पटियाला देहाती दे आम आदमी पार्टी वालों उम्मीदवार डॉक्टर बलबीर सिंह होर की जी कैंपेनिंग वैन है उसके विच बैठा जिस दे विच आ बैठ के वो पूरे बाजार के विच कैंपेनिंग कर रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी अकाली जिन्होंने पंजाब को बर्बाद किया जे साडा जो नौजवान है बेरोजगार है जे साडे कर्मचारी सड़कों पर बैठे हुए हैं जे ये सरकार जिम्मेवार है पिछले 70 साल तो वारियां लै लै के उन्होंने लुटिया तो कुटिया घट्टो घट उन्हों तो छुटकारा हो जाएगा। लोग जो मैं फड़ फड़ के लिजा के सड़कों करते हैं कहते आह काम किया परमिंदर ने तुम्हें क्या उन्होंने उन्होंने कद बहुत व्डा कद व्डा होगा जी उन्होंने कारगुजारी बहुत माड़ी है। मैं पिंड गया किसान कहते जी तुम्हें साड़ी बहुत सेवा की है उन्होंने पिंड जाने की लड़ नहीं थोड़ा पिंडों के 80% तो वो वोटा लग गया थोड़े बूथ भी असं लावे थोड़ा प्रचार भी असं करा थोड़ा वोटा भी असं पावे। परमिंदरा जी के मुंडे के लोग बहुत खिलाफ है कि इन्होंने परिवारवाद पहला ब्रह्म जी उन्होंने बेटा ब्राह्मणी लोगों में आया वो कहते जिहड़ा काम ब्रह्म जी 7 वारी MLA बन के 4 वारी मंत्री बन के नहीं कर सके सानू कोई उम्मीद नहीं कि उन्होंने मुंडा MLA बन के वो काम करेगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी पटियाले के लोगों ने बहुत प्यार दिता है 2 वारी मुख्यमंत्री पटियाले के लोगों करके वजह के नाल 2 वार पंजाब के मुख्यमंत्री भी बने ने उन्होंने हम अपनी पार्टी बना ली है पंजाब लोग कांग्रेस उन्हों का भी उम्मीदवार हो सकता थोड़े सामने लगता नहीं कि उतो भी कितना कितने खतरा रहूगा। उन्होंने पार्टी ने कहा कि 4.5 साल कोई काम नहीं किया निकम्मे मुख्यमंत्री उन्होंने कढ दिता गया पार्टी के उन्होंने लसेंस दे के कढ दिता गया वो पार्टी चो कढ़े हुए है लोगों के लोग दुखी उन्होंने को मुड़ के पटियाले ही नहीं आए अके पे आ लोग पक्के पे आ लोगों ने पक्का फैसला किया हो कि असी इस बारी कैप्टन अमरिंदर भी हारनगे मोहित महिंद्रा भी हारेगा ब्रह्म जी भी हारनगे इन्हों की हार होगी इस बार तुम देखोगे 10 मार्च में मेरी गल रिकॉर्ड करके रख लो याद रखो। प्रोफेशन च हुई डॉक्टर धर्मवीर गांधी हो गए जो थोड़ी पार्टी तो पटियाले तो सांसद भी रहे ने इस अलावा होर भी जोड़े थोड़ी पार्टी के टुट चुके ने हूँ जोड़े अहम अंग रहे हैं वो हमेशा ही पार्टी के इल्जाम लाते हैं इतों तक वो कहते हैं कि RSS का बी पार्ट है BJP का बी टीम है जी आम आदमी पार्टी है तो होर भी कि टिकटा जीडिया पैसे विकतिया ने जो बंद हॉस्पिटल में बैठे में चक के पार्टी ने मैंबर ऑफ पार्लीमेंट बनाता वो साढ़े तक इल्जाम लगाते हैं जी लोगों ने बनाता तो दूजी बारी क्यों नहीं बनाया जी दूजी बारी आम आदमी पार्टी के आते दोबारा भी बनते इस गल का जवाब तो लोग दे चुके हैं लोगों ने उन्होंने MP उदों बनाया जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार से जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार नहीं से तो उनकी जमानत जब हुई या लोग ही दोस्तों तुसी रोजाना स्पोक्समैन देख रहे हो तो मैं शशव नागरा तुहाडे सारयां दा स्वागत करदा। इस बार पंजाब दे विच जदों चोणां हो रही ने तो एक फर्क देखण नूं मिल रहा है फर्क यह है कि वड्डियां वड्डियां रैलियां नहीं हो रही प्रचार के जिहड़े तरीके ने वह बदल चुके ने। इस वक्त मैं पटियाला देहाती दे आम आदमी पार्टी वालों उम्मीदवार डॉक्टर बलबीर सिंह होर की जी कैंपेनिंग वैन है उसके विच बैठा जिस दे विच बैठ के वो पूरे बाजार के विच कैंपेनिंग कर रहे हैं संबोधन कर रहे हैं लोगों नूं प्रचार कर रहे हैं अपना मेरे नाल इस वक्त मौजूद ने डॉक्टर साहब सब तो पहला तुहाडा स्वागत बहुत बहुत धन्यवाद जी रोजाना स्पोक्समैन के सारे दर्शकों नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। वैसे तो तुहाडा तां पहला ही तजर्बा है चोणां दा पर इस वक्त बार सारे लिए जिहड़ा प्रचार का तरीका है वह बदल चुके तुहानूं भी ये बड़ा क्रिएटिव तरीके दे नाल तुसीं प्रचार कर रहे हो जी क्योंकि इलैक्शन कमीशन ने बैन लगाता कि 5 तो ज़्यादा बंदे नहीं इकट्ठे हो सकते कंपेन नहीं कर सकते सो बहुत सारिया रिस्ट्रिक्शन सी ते असी तो उस तो भी अगे लंघ के हुण तां मैं कल्ला ही हाँ जी कंपेन व्हीकल के उत्ते ते लोग अपना जिहड़ा बाजार है खुला हैगा मेरी गल सुणदे आ और बहुत रिस्पोंड कर रहे हैं मैनूं बहुत अच्छा रिस्पोंस मिल रहा जी। इत्थे खड़ के तुसीं लोकां नूं गल्लां बातां करदे हो ते डोर टू डोर भी कर रहे हो मैं एड्रैस करदा जी मैं डोर टू डोर भी करदा क्योंकि हुण इलैक्शन कमीशन ने मीटिंग अलाउ कीतियां बट उन्होंने इनडोर अलाउ कीतियां एक डॉक्टर होने के नाते मेरी समझ तो बाहर है उन्होंने जोड़ा करोना फैलन का रिस्क है वो इनडोर बहुत ज़्यादा है तो आउटडोर घट हों बट उन्होंने इनडोर अलाउ की 300 पीपल की आउटडोर तो बिल्कुल अलाउ होनी चाहिए सी बट उन्होंने इस तरह नहीं किया कितने ना कि लैवल प्लेइंग फील्ड नहीं है साढ़े वास्ते जिहड़ियां ट्रडिशनल पार्टीज है रवायती पार्टियां उन्होंने रिसोर्स बहुत होंगे कितने ना कि उन्होंने फेवर के बच्चे है तो असी ओवरकम करने लिए असी इंप्रोवाइज करके एक कंपेन व्हीकल है ये असी रोज़ 8-10 हज़ार बंद तक साड़ी पहुँच हो रही है जी कि बहुत मैसिव है सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी असी ये कवर करा और साड़ी जी गल है असी लोगों के डायलॉग भी हो रहा लोग मेरे को आते मैं दसते हैं कि जो बारिश पैंती है साडा महला नरक बन जाता है पानी सीवरेज का पानी साढ़े घर आ वड़ता है लोगों ने मैं दसिया कि करोना के कोई नहीं आया
ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਆ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਭਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣਯੋਗ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ MLA ਬਣਨ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਹਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾਈ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਛੱਡੋ ਅਤੇ ਝੰਡਾ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਫਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਿਲ ਗਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਆਪਾਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ, ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰਨਗੇ? ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ? ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 26 ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਐਨਕਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ, ਦਵਾਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਗੁੱਡਵਿਲ ਬਣੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੋ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੋਣ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਵਿਸ਼ਸ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਆਮਣੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਟਕਰਾਓ? ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਆਪਟੀਮਿਸਟਿਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ BJP। ਲੋਕ ਲੈਸਰ ਈਵਲ ਚੁਣਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਏ ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਵੀ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਚੰਗੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇਖਦਾ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਆਪਟੀਮਿਸਟਿਕ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਏ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿ ਜੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਬਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, BJP, ਅਕਾਲੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੇ 1.5-2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਨ ਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਫਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਨ ਮੈਰਿਟ ਉਹ ਹੀ ਡਿਜ਼ਰਵਸ ਮਾਈ ਵੋਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੋਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬ੍ਰਹਮਿੰਦਰਾ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮੋਹਿਤ ਮਹਿੰਦਰਾ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੱਦ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਟੱਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੋਕਿਓ ਜੀ, ਗੱਡੀ ਆ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੜਕ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਫੋਕਸ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਸੜਕ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਸੜਕ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ। ਇਹ ਸੜਕ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰਹਮਿੰਦਰਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੱਦ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰਹਮਿੰਦਰਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਕੱਦ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ
थोनू पिंडा जाने की लोड़ नहीं, थोनू पिंडा दे विचों 80% तो वध वोटां पैणगियां, थोनू थोड़े बूथ भी असी लावांगे, थोड़ा प्रचार भी असी करांगे, थोनू वोटां भी असी पावांगे। त्रिपड़ी दे लोग मैनू कहिंदे आ डॉक्टर साहब तुसीं साडे वास्ते एनवायरमेंट पार्क बनाया, तुसीं अखां ला अखां दे कैंप ला के सैकड़े हज़ारां बंदियां दे पिछले जिहड़े हैगे 35-40 साल दे विच सैकड़े हज़ारां बंदियां दे ऑपरेशन कीते, बहुत सारिआं दे घट्टो घट्ट भी 40% दे फ्री कीते। असीं तुहानूं मतलब त्रिपड़ी दे विचों जिहनूं कि श्री ब्रह्मेंद्रा जी का गढ़ मन्निआ जांदा सीगा वी तुहानूं असीं इत्थों जिता के भेजांगे, और लोग कह रहे आ कि जिहड़ा तुहाडा प्रचार मटीरियल है पैंफलेट आ साडी दुकान ते रख दिओ, ठीक है, असीं तुहाडे प्रचार करांगे, जिहड़ी विमेन गरंटी दे फार्म आ असीं भरांगे, असीं तुहानूं जितावांगे। सो लोकां तों मैनूं बहुत भरमां हुंगारा मिल रिहा, इस वारी इट्स गोइंग टू बी अ लैंड स्लाइड फॉर आम आदमी पार्टी, मेरी भी जित होएगी बहुत वड्डी। ब्रह्मेंद्रा जी दे मुंडे दे लोक बहुत खिलाफ़ है कि इन्हां ने परिवारवाद, पहलां ब्रह्म जी हुण उहदा बेटा ब्रह्म नहीं लोकां विच आया, उह कहिंदे जिहड़ा कम ब्रह्म जी 7 वारी MLA बन के 4 वारी मंत्री बन के नहीं कर सके, सानू कोई उम्मीद नहीं कि उन्हों का मुंडा MLA बन के वो काम करेगा। सो सानू उम्मीद है डॉक्टर बलवीर सिंह तो जिहड़ा कि गरीबों के नाल खड़दा, गरीबों वास्ते कैंप लांदा, एनवायरमेंट ते काम करदा, जिहड़ा थोड़ा बारिश का पानी उहदे वास्ते काम करदा, पिंगला आश्रम च आके काम करदा, लोगों नू मेरा काम पता, लोग मैनू मेरे काम करके जानते हैं, वह मोहित महिंद्रा नू उहदे बाप करके जानते हैं। अच्छा, कैप्टन अमरिंदर सिंह नू भी पटियाले के लोगों ने बहुत प्यार दिता है, 2 वारी मुख्यमंत्री पटियाले के लोगों करके वजह के नाल 2 वार पंजाब के मुख्यमंत्री भी बने ने, उन्होंने हुण अपनी पार्टी बनानी है पंजाब लोक कांग्रेस, उन्होंने भी उम्मीदवार हो सकता तुहाडे सामने, लगता नहीं कि उतों भी कितने ना कितने खतरा रहूगा? देखो तुसीं कहा कैप्टन नूं लोगों ने बहुत प्यार दिता कि कैप्टन ने वो प्यार वापस किया कि लोगों नूं धोखा दिता, उन्होंने पार्टी ने कहा तुसीं 4.5 साल कोई काम नहीं किया, तुसीं निकम्मे मुख्यमंत्री, उन्होंने कढ दिता गया पार्टी के विचों, उन्होंने लसेंस दे के कढ दिता गया, वो पार्टी चों कढे हुए आ लोगों के विचों, लोग दुखी उन्होंने कोलों, वो मुड़ के पटियाले नहीं आए, वो पटियाले दे विच नहीं बड़े, मुड़ के लोगों नूं मिले नहीं कदे भी, उन्होंने बहुत बड़ा धोखा किया। इस बार कैप्टन नूं लोगों ने पिछली बारी उन्होंने गुटका साहब की सहु खाधी सी गुरद्वारा साहब वालों मूँह करके, लोगों ने उन्होंने विश्वास किया, लेकिन उन्होंने लोगों के नाल उन्होंने विश्वासघात पटियाले दे लोगों दे चहेते विश्वासघात की, हाँ जी पटियाले दे लोगों दे चहेते ने चेते होंदे सी बहुत हो गया, अत हो गई, उस तो बाद हुण अंत होएगा, लोग अके पे आ, लोग पक्के पे आ, लोगों ने पक्का फैसला किया होया कि असी इस बारी कैप्टन अमरिंदर भी हारनगे, मोहित महिंद्रा भी हारेगा, ब्रह्म जी भी हारनगे, इन्हां दी हार होएगी इस बार, तुसीं देखोगे 10 मार्च नूं मेरे ये गल्लां रिकॉर्ड करके रख लो, याद रखियो। अच्छा, तुसीं किसानां दी गल कीती है कि पिंडां दे विच लोग तुहानूं कहिंदे ने कि असीं तुहाडा पूरा साथ दिंदे आ, अपने पोस्टर इत्थे रख जो, असीं तुहाडा कैंपेन करदे आ, कितें ना कितें ये तां नहीं लगदा कि किसानां दी आपदी पार्टी भी, उह वी इलैक्शन लड़ रहे ने कि ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਹੇ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਖੀਆਂ ਮੱਛਰ ਆਏ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਗਰਮੀ ਆਈ ਤਾਂ ਪੱਖੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਕਲੀਫ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਭਰਾਵੋ ਗਰਮੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਕੈਂਪ ਬਾਹਰ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪ ਅੰਦਰ AC ਵਾਲੇ ਹਾਲ 'ਚ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਈ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ RSS ਦਾ ਬੀ ਪਾਰਟ ਹੈ, BJP ਦਾ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ 'ਚ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹਵਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ,
लोग मेजोरिटी लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को मौका देना, सो वोटा तो लोगों ने पानिया। धर्मवीर गांधी जी साढ़े मेरे एक परसनली बहुत मेरे अच्छे दोस्त है, मित्र है, वह भी मेरे तरह एक प्रैक्टिस करते, गरीब दे हमदर्द डॉक्टर से, आम आदमी पार्टी ने उन्होंने मौका दिता। देखो किड्डी वड्डी जित सी, वह एक जिहड़ा साबका मुख्यमंत्री उहदी पत्नी, एक सिटिंग जिहड़ा यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटरनल अफेयरस श्रीमती प्रनीत कौर नूं उन्होंने हरा के, ये लोगों की ताकत सी, धर्मवीर गांधी जी की ताकत नहीं सी, दूजी बारी उन्होंने जमानत जब्त हुई है, तो लोगों की जिहड़ी ताकत सी लोगों ने उन्होंने वो मौका दिता सी, सो उन्होंने उहदा सत्कार करना चाहिए सी, उन्होंने आम आदमी पार्टी नाल जुड़ के रहना चाहिए सी। खैर उन्होंने बहुत देर पहला सानू छड़ गए सी, मेरिया उन्होंने वास्ते भी गुड विशेज, मेरा यह असूल है कि जिहड़े बंदे ने थानू मैंबर ऑफ पार्लीमेंट बनाया, ठीक है, जिहड़ी पार्टी ने थानू मैंबर ऑफ पार्लीमेंट बनाया उन्हूं उस पार्टी प्रति वफादार रहना चाहिए सी, 5 साल उहदे नाल मिलकर चलना चाहिए सी, पर हुण तां जो होना सी हो चुक्या, सो कोई गल नहीं, कोई गला नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई जिहड़े इल्जाम लगदे ने, इल्जाम कड़ा लगांदे आ जी, उह जिहड़े बंदे नूं हॉस्पिटल विच बैठे नूं चक के पार्टी ने मैंबर ऑफ पार्लीमेंट बनाता, वो साढ़े ते की इल्जाम लगांदे आ जी, हाँ जी, लोकल लोगों ने बनाता, लोगों ने बनाता, तो दूजी बारी क्यों नहीं बनाया जी, दूजी बारी आम आदमी पार्टी के होंदे दोबारा भी बनते, इस गल का जवाब तो लोग दे चुके हैं, लोगों ने उन्होंने एम पी उदों बनाया जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार से, जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार नहीं सी तो उन्होंने जमानत जब्त हुई, लोग ही सी, लोग नहीं बदले, गांधी जी बदले सी, मेरा ख्याल है इस तो सारा जो मैं होर कुछ कहने की लड़ नहीं इस मुद्दे। उस वेले आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर लोगों ने प्यार दिता सी, इस आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर लोग प्यार देंगे, बिल्कुल देंगे जी, कोई शक नहीं है, लोगों के चेहरे पर लिखा हुआ, मैं कल जो मैं जाके उन्होंने डोर टू डोर करदा, लोग मैं इंश्योर करते हैं, और मेरा जोड़ा कहते अं थोड़ा प्रचार भी करा, असी थोड़ा बूथ भी लावे, असी थोड़ा वोटा भी पावे, और मेरा उन्होंने वादा है कि मेरा प्रचार तुम करोगे, मेरा बूथ तुम लाओगे, वोटा तुम पाओगे, प्रैक्टिकल करके देख ली, बिल्कुल करके देख लोडे डोर टू डोर इस अलावा शड्यूल की रहा। मेरा शड्यूल जी सवेरे 6-6:30 बजे शुरू हो जाता, पहला लोग घर आते हैं मिलते हैं, उस तो बाद मैं कंपेन व्हीकल से, उस तो बाद जड़िया छोटिया मीटिंग जड़िया है लोग उठ जाने, हाँ जी उठ किन्ने बजे जाते हैं, सवेरे 6 बजे जाग जाता जी, सवेरे 6 बजे तो किन्ने बजे तक सारा चलता है प्रयत्न, हाँ जी हाँ जी लगातार चलता जी। भाई साहब सत श्रीकाल जी, नमस्कार, आम आदमी पार्टी तो जी डॉक्टर बलवीर सिंह, एक मौका सानू देना भाई साहब, इन्हों 10-10 मौके देते, एक मौका सानू देना जी, ठीक है जी, असी इंस्पैक्टर राज खत्म करा, थोड़ा बिजनेस आसान करा, और बहुत सारिया सहूलत देवे जी, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद जी, लगता है कि चंगे उम्मीदवार ने, ठीक है जी, हेलो हाँ हाँ आप ही रहे डॉक्टर बलवीर सिंह आम आदमी पार्टी तो जी, एक मौका सानू दिओ जी इस बार, ठीक है जी, बस चढ़ के देवे जी, असी होर तो भी दवावे, असी वध चढ़ के, असी आप कहने भी सिस्टम बदले तो नई सरकार आवे होर, क्यों इन्हें दोनों सरकार तो अके हुए असी बिल्कुल अके हुए, सड़क बनाई बारे की कहोगे, मैं कहना खलारा पिया हो, सगो लोगों की स्कूटरिया वगैरह स्लिप होंदिया ने, तो नुकसान ही हो रहा उल्टा का, बजरी सारी बजरी बजरी खिंडी हुई है सारी जी, सड़क टुट गई, तुम सा प्रचार भी कर दोगे जी, मैं कहना बद चढ़ के करा जी, थोड़े नाल भी चलते जी, कोई गल नहीं, मैं बेटा आ जाने भी फिर चलते अपन नाल, डॉक्टर साहब लोग तो प्यार दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं जी बहुत, हाँ मैं सारा बाजार शॉप टू शॉप कर चुका है, तो मैं बहुत अच्छा ओवरऑल, तुम मेरा एक ये भी सवाल है थोड़े तो, जो तुम कई बार डोर टू डोर जाने कदम कोई थोड़ी पार्टी को लेकर भी सवाल खड़े करते, नहीं किसी ने कोई सवाल नहीं खड़े किए, एक बड़ी इंट्रस्टिंग गल हुई, मैंने एक बंद ने कहा, मैं उन्होंने कहा कि ये काम करांगे, कहिंदा डॉक्टर साहब जी तुम नहीं भी करोगे ना, जिन्ने माड़े है जिन्ने बेईमान है तुम इन्हें जिन्ने माड़े हो ही नहीं सकते, तुम इन्हों तो चंगे ही हो गए, सो असी बदलाव करना ही करना, मैंने बहुत सारे लोगों ने गल कही है, और बहुत सारे लोगों ने वॉलंटियर किया, जिम्मे वो दुकानदार कह रहे थे कि असी थोड़ा प्रचार भी करांगे, असी वोटा पावांगे भी थोड़ा वोटा पावांगे भी, बट तुम साढ़े बिच रही हो, भी ये मुड़ के आते नहीं, तुम इन वर्गे ना बनी हो, मैं इन्होंने वर्गे बिल्कुल नहीं बनाएंगे, थोड़े बिच रहेंगे, पिछले 40 साल तो थोड़े बिच है, हूँ भी बिच रहेंगे। सो दोस्तों ये सन आम आदमी पार्टी के पटियाला देहाती तो उम्मीदवार डॉक्टर बलवीर, जिन्हों के नाल गलबात की, इन्हों का साफ तौर पर कहना है कि पटियाले देहाती दे लोग सानू बेहद प्यार दे रहे हैं, तो नाल भी कहना है कि लोग इतों तक ये गल कहें कि ठीक है जी तुम कुछ करोगे नहीं करोगे, सानू इन्ना जरूर थोड़े ते माण है कि तुम बाकी जिन्हें माड़े नहीं है, तो इन्हों का ये साफ साफ ये कहना है कि किसानों तो भी मैनू कोई खतरा नहीं है, हो सकता है कि
संयुक्त समाज मोर्चा मेरे खिलाफ कोई उम्मीदवार ही ना खड़ा करे तो बाकी उम्मीदवार तो मैं कोई खतरा नहीं है, मेरा पूरी जित है जी निश्चिंत है। तो इन्होंने शब्दों के नाल तुहाडे तो अगे लैंदे आ, तुसीं देख रहे हो रोजाना स्पोक्समैन, कैमरे के पिछे मेरा साथ दिता मेरे सहयोगी दलजीत ने, मैं शशम नागरा, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।